तो मुझे एक डर बिल्कुल नहीं था मन में, एक जुनून था। खास बात होती है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक पत्थर होता है ना, उसे मतलब मूर्ति तराशने के लिए उसे काफी तराशा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मूर्ति बनाने के लिए। तो वैसे ही अगर आप अपने जो शिक्षण का जो समय था उस समय क्या आपके गुरु ने भी आपके साथ कुछ साम दान दंडवेद वाली? बिल्कुल बिल्कुल जरूर, उनका भी काफी सपोर्ट है, जो जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम सीखा, स्वप्निल बनर्जी, वो मुझे, मैं स्कूल टाइम से थी उस समय, तो स्कूल से मेरा दिन में घर आना, कड़ी धूप थी और उनके घर पे, उनके छत पर एक रूम था छोटा सा, जो गर्मी के दिनों में इतना गर्म रहता था कि बस, लेकिन हम दोनों गुरु शागिर्द उसमें बैठ जाते थे और वो वॉयलिन पे, गिटार पे मुझे सिखाते थे, लता जी आशा जी के कई सॉन्ग्स उन्होंने मुझे रेडी करवाए। तो एक मतलब हम दोनों में एक पागलपन था कि बस गुरु जी कहते थे कि इसे रेडी करना है, और मुझे ये जुनून था कि ये सॉन्ग आज मुझे तैयार करना है। वाह बहुत खूब। और जब भी गायिका हमारे साथ होती है ना, तो मेरा मन ये करता है कि हम कुछ ना कुछ ज्यादा सुने उनसे, कुछ बेहतरीन गाने सुने। और आपको तो हर क्षेत्र में महारत हासिल है, तो क्यों ना एक अच्छा सा गीत आप सुना दें। जी जरूर, मैं